सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नेचर लवर विनो को और क्लिक करें बेल आइकन पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या नेचर लवर विनो से। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रोजेक्ट फन प्रोजेक्ट है। जब हम अपना काम अपने हाथों से करते हैं तो उसका मजा और भी दोगुना होता है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ ब्यूटीफुल टायर प्लांटर। हमारे घर में अक्सर यूजलेस टायर स्कूटी के और कार के पड़े रहते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने गार्डन में उनका यूज किया जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें इस प्लांटर को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने ये टायर लिया है, इसे मैंने धोकर सुखाकर इसे अच्छी तरह पेंट कर लिया है। आप कोई भी कलर का पेंट ले सकते हैं। इसमें मैंने पोल्का डॉट डिजाइन करा है, आप कोई भी डिजाइन इसमें बना सकते हैं। और इसमें होल जरूर कर ले, मैंने इसमें 3 होल करे हैं। इसमें आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि मैंने ब्लैक कलर का पेंट किया, इसलिए क्योंकि रेनी सीजन आने वाला है तो उसमें पानी इकट्ठा होने का डर रहता है, इससे प्लांट्स खराब भी हो सकते हैं, तो ड्रेनेज होल जरूर ही होना चाहिए। और मैंने कुछ प्लांट्स लिए हैं। ग्रैमफिना का प्लांट है ये वाला, और ये बेबी सनरोज प्लांट है, और वो भी बेबी सनरोज है। ये बहुत सारे प्लांट लिए हैं मैंने, जो भी इसमें फिट बैठेंगे, जो भी मुझे इसमें सुटेबल लगेंगे वो प्लांट में इनमें लगा दूंगी। और मैंने ये रस्सी ली है, और ये कैंची का यूज किया हुआ है, और एक मैंने फट्टा लिया है इस प्लांटर को और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए। तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं इसे बहुत ही क्रिएटिव बनाने वाली हूँ। और मैंने ये मिट्टी ली है, इसमें मैंने कोकोपीट सैंड वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल को मिलाकर अच्छे से तैयार कर लिया है, और ये पानी का यूज किया है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने इस टायर को सपोर्ट दे दिया है क्योंकि ये जब मैं इसमें मिट्टी डालूंगी तो ये गिर जाएगा, इसलिए मैंने इसमें कुर्सी का सपोर्ट दे दिया है। तो चलो पहले मैं इसमें मिट्टी से फिल कर देती हूँ। मैंने ये गड्ढा कर लिया है प्लांट लगाने के लिए, ये देखिए। अब मैं ये बेबी सनरोज वाला प्लांट इसमें लगा दूंगी। आप कोई भी प्लांट ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब मैंने ये लकड़ी का फट्टा लिया है जो आपको दिखाया था, आप ऐसा फट्टा लें जो इसमें अच्छी तरह से फंस जाए, टाइट हो जाए। ये देखिए मैंने फिक्स कर लिया। अब इसमें मैंने ये प्लांट रख दिया, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसे थोड़ा और फिट कर लें आप, ये देखिए। तो चलिए अब इसे रस्सी बांध लेते हैं इसमें। अब आप एक रस्सी लें ये और इसे डबल कर लें, और इसमें ऐसे इस तरीके से ये हो गया। आप मजबूत रस्सी लें जिससे ये एक बार में ही अच्छी तरह हैंग हो जाएगा। तो चलिए अब इसे आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पे हमने इसे हैंग करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसे मैंने हैंग कर दिया है और कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए। और ये मेरी स्टेयर्स हैं, एक और छत है ऊपर जाने के लिए, तो वहाँ पे मैंने हैंग करा हुआ है। कुछ मैंने ये हैंगिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं, इसमें बेबी सनरोज और पॉटचुला का है ये देखिए, और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और मैंने इसी कलर कॉम्बिनेशन से इसे पेंट किया है क्योंकि स्टेयर का कलर वाइट है, इसी वजह से मैंने इसे वाइट कलर में पेंट किया है। तो चलिए अब इसमें पानी डाल लेते हैं, इसे जब लगाएं तब अच्छी तरह से पानी दे दें। तो फ्रेंड्स आप भी इजी तरीके से ऐसे ही डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हैं और अपने गार्डन को अपने हाथों से डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट ज़रूर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।